हाय दोस्तों, मैं ना आज आपके लिए एक अलग सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये आप ना ही सुने होंगे ना ही खाए होंगे। ये मैं ना रसपुआ बनाने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे ये मलपुआ है, बट ये बिल्कुल भी मलपुआ नहीं है, ये रसपुआ है। तो मैं इसके लिए बनाना शुरू कर दी हूँ। इसके लिए मैंने एक बॉल लिया है और इस बॉल में मेरे को ना मैंने एक कप के करीब मैं इसमें मैदा को ऐड करना है। ये मैंने एक कप के करीब मैंने मैदा लिया है, छोटे कप के करीब। तो मैं इसमें अब ऐड कर देते हैं। और अब इसमें जाएगा हाफ कप के करीब सूजी। ये मैंने ना सूजी हाफ कप लिया, मतलब आपको जितना मैदा लेना है ना उसका आधा ही आपको सूजी डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे नारियल। इसमें सोडा मैंने लिया है, बेकिंग सोडा मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा सॉफ्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। और अब हम इसे अच्छे से ना मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, सूजी मैदा और सोडा और इसको। और अब मैं ना इसे थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाऊंगी और दूध से इसे घोलेंगे लगातार। हमें ना दूध धीरे धीरे करके डालना है, लगातार नहीं डालना है, ताकि क्या है ना कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा या तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी बना के ही बनाना और लगातार हमें फेंटना है 10 मिनट तक। तो अब हमें ना इसे लगातार फेंट लेंगे। ये ना मेरे को घोल बनाने में कम्प्लीटली मेरे को आधा ग्लास के करीब दूध लगा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 से 1.5 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर लिया और अच्छे से घोल बना के 2 घंटे के लिए मैं इसे रख देती हूँ। इसे हम 2 घंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से तब तक अपनी मतलब पूरी तरीके से मिल जाए। ये मिल गया है, 2 घंटे हो चुके हैं। तो मैं इसमें अब ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। अब मैंने कर लिया। अब हम ना इसके लिए चीनी की चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए ना मैंने एक बॉल लिया है जिसमें मैंने 1 ग्लास के करीब वाटर डाल दिया और इसे गर्म कर लिया। और अब हम ना मैंने इसमें वही 200 ग्राम के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी, मतलब वही हाफ कप होगा करीब मैंने इसमें चीनी डाला। और इसे चीनी मैंने पिघलने दूंगी इसे लगातार। ये मेरी चीनी पिघल चुकी है तो मैं इसमें थोड़ा सा इलायची डाल देती हूँ। इलायची मैंने 2 इसमें इलायची ऐड कर दी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। दूध डालने से ना चीनी का जो झाग निकलता है वो हट जाता है, लेकिन मेरी चीनी की चाशनी में बिल्कुल भी झाग नहीं है तो मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी। और चाहें तो आप इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो देखिए, अब हम चेक करेंगे चीनी की चाशनी हुई है या नहीं। तो ये मैं छोलनी की सहायता से निकाल के हाथ से चेक करूँगी। अगर हल्का सा तार बनेगा ना, तब आपकी चीनी की चाशनी कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। ये देखिए, चिपचिपा हल्का लग रहा है, यानी मेरी चीनी की चाशनी ना हो चुकी है। तो अब हम इसे साइड कर लेते हैं। और अब हम एक बॉल में मैंने खोया लिया है, ये मैंने 100 ग्राम के करीब लिया है। इसमें मैंने नारियल का बुरादा ऐड किया है। इस रसपुआ की सबसे बड़ी खासियत है ना खोया है, इसका इम्पॉर्टेंट टेस्ट खोया ही है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैं अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब हम ना क्या करेंगे, हाथ में तेल लगा लेंगे गोल गोल थोड़ा थोड़ा लेके, और हमें पेड़े का आकार देना है। ये देखिए, मैंने सारे इसी तरीके से मैं पेड़े बना लूंगी। इस खोए में ना मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब मैंने चीनी ऐड किया है। आप भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। हम ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी चीनी की चाशनी रहेगी, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डाला है। और इसी तरीके से ना मैंने सारे खोए के पेड़े बना लिए हैं। ये खोया ना मैंने खुद से बनाया दूध को उठा के। अगर आप चाहें तो रेगुलर खोआ यूज कर सकते हैं। तो अब मैं ना तेल गर्म करूँगी एक पैन में। ये मैंने तेल को गर्म कर लिया। और अब ना इस पेड़े को उठा के हम डिप करेंगे मैदे के घोल में, मतलब यानी रसपुआ का जो घोल मैंने बना कर रखा था ना 2 घंटे के लिए, वो 2 घंटे हो चुका है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे चारों तरफ से 1 चम्मच की सहायता से। और इसे चम्मच की सहायता से बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि होता है क्या ना कि अगर चम्मच की सहायता से अच्छे से ये पूरा घुल नहीं पाता है, तो हम हाथों से ही डिप करके इसे तलेंगे। और इसे ना मीडियम आंच में हमें पकाना है और हम थोड़ा ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए, ये मेरी पुआ ना ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसे निकाल के चीनी की चाशनी में डाल देंगे।
ये मैंने निकाला और चीनी की चाशनी में ऐड कर दिया। और इसी तरीके से ना हम सारा पुआ तल लेंगे। तो फिर से मैंने पेड़े को लिया और दूध में लपेटा, मतलब वो जो मैंने बैटर बना के रखा था उसमें फिर से मैंने लपेटा और क्या किया, अब डायरेक्टली अब हम इसे इसमें डाल देंगे। ये मैंने डाल दिया। आप इसी तरीके से आपको सारा बनाना है। ये मैंने दूसरा डाला। इसी तरीके से हम सारा डाल देंगे। ये अब हम इसे मीडियम आंच में फिर से पकाएंगे। पुआ को ना खाने में बड़ा मजा आता है। बाहर से बिल्कुल ही क्रंची रहता है और अंदर से ना जब आप खाओगे तो एकदम खोए निकलेंगे, तो बड़ा मजा आता है इसे खाने में। तो अब हम देखिए, ये देखिए मेरी जो रसपुआ है वो हल्का ब्राउन हो गई है तो और पक भी गई है अच्छे से। तो अब हम सारे रसपुआ को निकाल के चीनी की चाशनी में डाल देंगे और इसी तरीके से हम बचे हुए पुआ को भी, मैंने ये बना लिया है, तल लिया है बचे हुए जो मेरे पास और घोल बचे थे, पेड़े बचे थे, उसका मैंने बना के तल निकाल दिया है और चीनी की चाशनी में डाल दिया है। और इसे ना अब हम चीनी की चाशनी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और आधा घंटा के करीब हम इसे छोड़ देंगे। आधा से पौन घंटे के करीब मैंने इसे छोड़ दिया। और ये देखिए, ये मेरी रसपुआ पूरी चीनी पी चुकी है। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे एक बॉल की सहायता से। ये हम एक बॉल में मैंने लिया है, इसमें अब हम सारी रसपुआ को सर्व कर लेंगे। ये मैंने सारी रसपुआ को सर्व कर लिया। इसे गार्निशिंग करने के लिए हम ना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने वो चारों तरफ तरीके से मैंने डाल दिया। और ये देखिए, मैं आपको कट करके बताती हूँ। ये देखिए बाहर से ये कितना क्रंची है और अंदर से ना बिल्कुल ही सॉफ्ट है, मतलब खोया निकला है, पूरा खोया है ना, दिख रहा है ना, ये बहुत मज़ा आता है खाने में। ये ना क्रंची जो होता है ना वो सूजी के कारण होता है। इसे ऊपर से आपको क्रंची लगेगा और अंदर से आपको खोए का फ्लेवर आएगा। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और इसके लिए आप मेरी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।